बसमीम्अल फोर्थ ए क्लास कल मैंने आपको एस टी एम एल के हाइपर लिंक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था एंड डिफरेंट हाइपर लिंक्स का भी बताया था आज हम बकायदा हाइपर लिंक बनाना सीखेंगे कि किस तरह हम अपने ब्राउज़र के अंदर हाइपर लिंक लगा सकते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास मेन यूज़ होता है वो ए टैग है ए स्टैंड फॉर एंकर दी ए टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ हाइपर लिंक इन अ वेब पेज ए टैग जो है एक वेब पेज के अंदर हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है द टैक्सट और इमेज बिटवीन दैग इज़ मार्क्ड एज हाइपर लिंक जो भी टैक्सट हम इस ए टैग के बिटवीन राइट करेंगे वो हमारा हाइपर लिंक बन जाएगा अच्छा इस ए टैग के मुख्य एक्ट्रीब्यूट्स हैं अब जो कि हम यूज़ करेंगे उनमें से फर्स्ट है एच रेफ दिस टैग इज़ कॉमनली यूज टू स्पेसिफाई द एक्चुअल लिंक ये टैग जो है एक्चुअल लिंक को स्पेसिफाई करेगा दी नेम एंड लोकेशन ऑफ द वेब पेज यू वॉन्ट टू लिंक इज स्पेसिफाइड एज वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट जिस लोकेशन पर हमने अपने लिंक को लेकर जाना है या उस लिंक पर क्लिक करने से हम चाहते हैं कि वो जिस लोकेशन पर चला जाए हम वो एड्रेस जो है इसके अंदर स्पेसिफाई करेंगे इन केस ऑफ लिंक ऑफ अ सेक्शन ऑफ द सेम पेज अगर लिंक जो है सेम पेज के आ, का सेक्शन है आ, या सेम पेज का पार्ट है तो द नेम ऑफ द सेक्शन प्रीफिक्स विद है साइन इज स्पेसिफाइड तो उस सेक्शन के नाम को हम है साइन से स्पेसिफाइड करेंगे फॉर एग्जांपल टू क्रिएट अ लिंक ऑफ पाकिस्तान टेलीकोम्यूनिकेशन लिमिटेड वेबसाइट का लिंक हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए कैसे लिखेंगे एस टी एम एल कोड ए टैग तो उन्होंने कहा था लाजिम है ठीक है हमने जितना भी अपना कोड लिखना है वो इसके दरमियान में लिखना है ठीक है जो भी इसके मीड में लिखा जाएगा वो हमारा लिंक बन जाएगा जो टैक्स्ट इसके मिड में आएगा अब फिर उसने बताया था इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि है फर्स्ट एच रेफ अब एच रेफ में उसने क्या कहा था हमें हमने वो लिंक देना है वो लिंक बताना है जहाँ पे वो जाए जिससे हमने उस टेक्स्ट को जोड़ना है तो हम उसके एच रेफ एट्रीब्यूट में बताते हैं कि ये किस जगह पे ले जाए किस जगह पर चला जाए तो अगर जैसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेली का है तो पाकिस्तान टेली की वेबसाइट का जो भी है लिंक वो हमने ये सारा लिख देना है कि एच टी टी पी कॉलन डब्ल्यू 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 डॉट पी टी सी एल डॉट कॉम डॉट पी के ये हमने सारा लिख दिया ये ए टैग के अंदर सारा स्पेसिफाई हो गया अब जो टेक्स्ट हमने यूज़र के सामने शो करवाना है यूज़र को अगर आप कह रहे हैं क्लिक टू ओपन पी टी सी एल साइट तो ये टेक्स्ट आ जाएगा और स्लैश ए को क्लोज कर देंगे तो ये हमारा लिंक कंप्लीट हो गया बाद आ जाता है हमारे पास नेम एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है जब हम पेज जंप्स लगाना चाहते हैं ए मतलब कि अपने डॉक्यूमेंट हमारा डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी है मैंने आपको बताया था तो उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम मुख्तफ लिंक्स बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए उसके डिफरेंट सेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट चूज करेंगे इट इज़ यूज टू मार्क द डेस्टिनेशन लोकेशन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट विद द नेम टू मार्क द लोकेशन इन द सेम डॉक्यूमेंट टू बी जम्प टू किसी भी सेक्शन सेम डॉक्यूमेंट के सेक्शन की तरफ जंप करने के लिए मूव टू द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करवाने हैं कि उस डॉक्यूमेंट की डिजायर्ड लोकेशन जहाँ हम जाना चाहते हैं उसकी तरफ मूव करें वेयर यू वांट टू तो मार्क द डेस्टिनेशन लोकेशन जहाँ पे डेस्टिनेशन लोकेशन को मार्क करना है मार्क द डेस्टिनेशन लोकेशन एट्स फॉलो अब डेस्टिनेशन लोकेशन को कैसे मार्क करेंगे ए एंकर टैग लगाएंगे अपना नेम इक्वल टू उस लोकेशन का नाम लगाएंगे जहाँ पे हमने जंप करना है इसकी ये डिस्क्रिप्शन बता भी रहा है वो टू जंप आ स्पेसिफिक लोकेशन इन दी करंट डॉक्यूमेंट नेम ऑफ द लोकेशन प्रीफिक्स विद हैश साइन इज स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एच रेफ एट्रीब्यूट अच्छा वो तो हमने नेम एट्रीब्यूट के अंदर बता दिया कि फ्ला सेक्शन uh, की तरफ जंप करना है अब ज हमने एच रेफ एट्रीब्यूट में इसे कैसे स्पेसिफाई करना है उसके साथ हैश लगाएंगे ए एच रे इक्वल टू हैश ए बी सी उसके बाद टेक्स्ट का नाम गो टू ए बी सी सेक्शन उसके बाद हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट उस, उसके बाद है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई स्पेसीफाई विंडो टू ओपन द लिंक्ड पेज वो विंडो स्पेसिफाई लिंक पेज को ओपन करने के लिए हम इसमें विंडो स्पेसिफाई करते हैं बाई डिफ़ॉल्ट जो है लिंक पेज जो है ओपन हो जाता है करंट ब्राउजर में लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेज जो है न्यू ब्लैंक ब्राउजर की विंडो में जो है डिस्प्ले हो तो फिर उसके लिए हम लिखेंगे ए एच डेफ इक्वल टू ए बी सी डॉट एस टी एम ए बी सी डॉट एस टी एम क्या है जिस भी पेज को हमने ओपन करना है उसके बाद टारगेट एट्रीब्यूट बताएंगे कैंडर स्कोर ब्लैंक कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है नई विंडो में खुले उसके बाद इसे बंद किया जो टेक्स्ट हमने लिखना होता है वो राइट करते हैं और फिर अपने एंकर टैग को क्लोज कर दिया उसके बाद नेक्स्ट वो इंफॉर्मेशन हमारी अगले के लिए दे रहा है फ्रेम्स हम बनाते होते हैं अपने ब्राउजर में तो उसके लिए वो बता रहा है कि तौर पर हम टैट्रीब्यूट स्पेसिफाई करते हैं लिंक पेज को स्पेसिफिक फ्रेम में ओपन करने के लिए दी नेम ऑफ द फ्रेम ऑफ आर गिवन दिए जाते हैं वैन दे आर क्रिएटिव सच एज मेन अंडर स्कोर फ्रेम वो हमारा आगे का काम है ठीक है आगे हम टाइटल करते हैं दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई दी टेक्स फॉर टूल टिप ये एट्रीब्यूट जो है यूज होता है टूल टिप के लिए टूल uh, टिप के uh, लिए टेक्स्ट स्पेसिफाई जब हमने करना हो नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब लिंक्स होते हैं उस लिंक्स के ऊपर जाके जब हम माउस लेकर जाते हैं तो एक छोटा सा और टूल टिप खुल जाता है उसमें जिसमें जिस पर हमें यूज़र के आसानी के लिए, लिए लिखा होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्लान साइड पर चले जाएंगे तो वैन द विज़िटर प्लेसिस दी माउस कर सर जब विजिटर जो है प्लेस करता है माउस कर सर लिंक पर पॉपअप अपेयर विद स्पेसिफाइड टेक्स्ट फॉर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दी लिंक उस लिंक की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए एक पोपापा अपेयर हो जाता है इस, वो कैसे राइट करेंगे ए एच डेफ इक्वल टू जो भी हमने जिस जगह पे जो लिंक देना है वो दिया टाइटल इक्वल टू क्लिक लिंक टू विजिट इस्लामिया यूनिवर्सिटी और बाद में ये तो हमारे पास टेक्स्ट होता ही है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ठीक है आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और फिर टूल टिप जो है इस तरह से ज़ाहिर होगा इसके अलावा जो है हम अपने लिंक के साथ एक और काम भी कर सकते हैं मीन जब हमने कोई एक्सटर्नल लिंक या इंटरनल लिंक क्रिएट किया एक्सटर्नल लिंक के बारे में हमने बताया था कि अगर हम अपनी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट में जाएंगे तो वो एक्सटर्नल लिंक है मीन मैं किसी स्पेसिफिक वेब पेज पर हूँ मैंने उस वेब पेज के अंदर किसी लिंक पर अगर क्रिएट किया है और अ, किसी लिंक पर क्लिक किया है और वो लिंक हमें जो है किसी दूसरी वेबसाइट पर ले जाता है दूसरी वेबसाइट को ओपन कर देता है वो एक्सटर्नल लिंक है और इंटरनल लिंक्स कौन से होते हैं कि अगर मैं किसी वेबसाइट के किसी खास पेज पर हूँ और उसके ऊपर में उसके अंदर अगर कोई लिंक है और मैं उस पर जब क्लिक करती हूँ और क्लिक करने पर वो उसी वेबसाइट के किसी पेज पर ले जाता है तो वो इंटरनल लिंक है ठीक है तो हाइपर लिंक जो है यूज़र को जब बिगनिंग ऑफ द नए वेब पेज पर लेकर जाता है तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जा होती है कि वो हमें किसी दूसरे वेब पेज पर पे लेके जा रहा है लेकिन अगर हम चाहें कि हम जब न, नया वेब पेज खुले लिंक पर क्लिक करने से जो नया वेब पेज खुले हम उसके किसी ख़ास सेक्शन पर चले जाए ये देखें यू कैन जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन हम उस की खास लोकेशन पर भी जंप कर सकते हैं नए वेब पेज में जब वो ओपन हो तो इस मकसद के लिए नेम ऑफ दी वेब पेज एंड नेम ऑफ द लोकेशन इन दैट पेज आर स्पेसिफाइड फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वेब पेज जो है मेडिकल डॉट एस टी एम खोला है और हम उसके सेक्शन डिटेल पर जाना चाहते हैं तो हम कोड कैसे राइट करेंगे ए एच डेफ मेडिकल डॉट एस टी एम और उसका जो स्पेशल सेक्शन है हैश डिटेल के साथ बताएंगे और फिर अपना टेक्स्ट राइट करेंगे और क्लोज कर देंगे अब हम बकायदा लिंक बनाकर भी देख लेते हैं कोड फोर पॉइंट वन का और हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी ठीक है ये मैंने कोड राइट की है तो इसमें जो है हमने तीन लिंक्स बनाए हैं जबकि आपके कोड में बुक पर जो है फोर लिंक्स हैं हमने अपने हिसाब से जैसे हमने कोडिंग करनी हो प्रोग्राम के हिसाब से जब हमें प्रोग्राम आएगा उस हिसाब से हमने कोडिंग करनी होती है खैर मैंने इसमें तीन लिंक्स बनाए हैं ए एच रेफ़ फ़र्स्ट लिंक जो है मैंने कायदेजम तो यूनिवर्सिटी का बनाया उसमें मैंने कहा कि टारगेट अंडर स्कोर ब्लैंक कि जब ये वाला लिंक खोले तो नए वाली वेबसाइट के अंदर हमें लेके जाए नए वाले वेब नया वेब पेज खोल के उसमें खो खोल के देंगे वाली वेबसाइट उसके बाद मैंने दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी का लिंक बनाया तीसरा जो है मैंने शावर यूनिवर्सिटी का लिंक बनाया इसके इसके अलावा देखिए मैंने क्या किया कि जब ये लिंक बनाया तो फिर मैंने इसके बाद बी आर टैग यूज़ किया बी आर टैग क्यों यूज़ किया ताकि ये लिंक बनने के बाद जो नया लिंक है वो नई लाइन पर शो हो ठीक है फिर इसके बाद भी बी आर टैग यूज़ किया और फिर एंड में तीसरा लिंक बनाया मैंने इसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे फाइल सेव नाम दें कोई भी मैंने इसे नाम दे दिया लिंक्स रोट एच टी एम एल का अब इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लें यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करके और यहाँ पे सेव कर दें ये वाला लिंक जो है आपका लिंक्स के नाम से ये आ गया डेस्कटॉप पर इस पर डबल क्लिक करके ओपन करें तो हम इसका रिजल्ट देखेंगे ये तीन लिंक्स हमारे पास बन गए हैं देखें ये तीनों ब्लू कलर में है काइदे आज़म यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास काइदे आज़म वाली यूनिवर्सिटी वाली वेबसाइट खुल जाएगी ये हमारी लोड हो रही है लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि मेरे पास इस वक्त नेट अवेलेबल है ये वाले लिंक्स तो आपके पास शो हो जाएंगे आउटपुट में अगर नेट अवेलेबल होगा तो इस लिंक पे क्लिक करने पर आपकी कायद अजम वाली वेबसाइट खुल जाएगी अदरवाइज़ जो है नेट नहीं होगा तो ये नहीं ओपन होगी तो ये अब ब्राउजिंग हो रही है और अब ये ओपन हो जाएगी इसी तरह से बाकी के लिंक्स पर भी क्लिक करूँगी तो वो ओपन हो जाएंगे तो इनकी प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है